नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, रामनगरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अयोध्या रामनगरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। तो हिंदू लड़की को लेकर फरार मुस्लिम युवक, तो 1 लाख कैश और लाखों के जेवर के साथ ये दोनों फरार हुए हैं। तो युवक फरार हुआ है, तो मुस्लिम युवक के परिजनों ने युवती के परिवार को धमकी दी थी, धर्म परिवर्तन कराकर अपनी बहू बनाने की धमकी दी गई थी। तो अब मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि थाना गोसाईगंज के ठंडी सड़क तेलियागढ़ मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां धर्म परिवर्तन कराकर अपनी बहू बनाने के लिए पहले परिवारजनों को धमकी दी गई थी। तो अयोध्या रामनगरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू लड़की को लेकर मुस्लिम युवक फरार हो चुका है। तो 1 लाख कैश और लाखों के जेवर के साथ युवक फरार हुआ है। वहीं मुस्लिम युवक के परिजनों ने युवती के परिवार को पहले से भी धमकी दी थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, लव जिहाद का ये मामला सामने आया है अयोध्या से। नहीं, जिस तरह बता दें कि ये जो मामला है लव जिहाद का मामला, गोसाईगंज की विधानसभा का मामला है, जिसको लेकर यह मामला चल रहा था। जो मुस्लिम परिवार ने हिंदू परिवार को धमकी दी थी, प्लस लड़की ने 1 लाख रुपए जेवरात लेके फरार हुई थी, उसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की, लोगों को मुकदमा, 5 लोगों को मुकदमा भी दर्ज हुआ। पर आपको वर्तमान में बता दें कि इस समय का कि जो परिवार वालों को पकड़ लिया गया है, वो थानागंज गोसाईगंज में बैठाया गया है। पूरा मामला पुलिस जांच कर रही है, क्या पूरा मामला है, इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्रिजेश, पहले हमें ये समझाइए, जो ये 1 लाख कैश और लाखों का जेवर है, ये कौन लेकर फरार हुआ है? युवक की तरफ से फरार हुए है या फिर लड़की लेकर फरार हुई है? ये लड़की की तरफ से लेके गई है, जो 1 लाख रुपए और जेवरात। जी ब्रिजेश, क्या कहा जाए, जानबूझकर ये सब किया गया है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि परिजनों को, लड़की के परिजनों को पहले से धमकी दी जा रही थी मुस्लिम युवक के परिजनों की तरफ से। जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों एक ही मोहल्ला के रहते थे, जिन लोगों का मिलना जुलना था, लेकिन इसके लेकर ये एक माहौल चल रहा है लव जिहाद का लेकर, जो हर यूपी के जिले में इससे घटनाएं हो रही उसको लेकर सरकार भी सकते है। लेकिन एक नया मामला जो अध्यक्ष रामनगरी से निकल के आया है कि जो मुस्लिम लड़का ने हिंदू लड़की को लेके फरार हुआ है और 1 लाख रुपए और जेवरात लेकर है। तो ब्रिजेश, क्योंकि मुस्लिम युवक के परिजनों पर ये आरोप लगे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? क्या ये आरोप उन्होंने सच बताए हैं? अभी तो जांच के पिछले विस्तार पुलिस विभाग कर रही है, जो वहाँ पर मामला चल रहा है, अब पुलिस जाँच करेगा बताएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां पर हो रही कार्रवाई को लेकर और सपा के विधायकों पर हो रहे हमले और कार्रवाई को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। तो वही मुलाकात के बाद अखिलेश यादव राजभवन से बाहर निकले और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे पर कहा कि समाजवादी पार्टी इस सर्वे के खिलाफ है। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। तो आजम खां पर हो रही कार्रवाई को लेकर और साथ ही सपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले और उन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने ये मुलाकात की है। मदरसे पर भी बोले हैं अखिलेश यादव, उन्होंने मदरसे और वक्फ के सर्वे के खिलाफ है सपा। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया है। तो मदरसे के साथ अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की भी जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। तो उस पर अब अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वे के पूरी तरह से खिलाफ है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां पर हो रही कार्रवाई को लेकर और सपा के विधायकों पर हो रहे हमले और कार्रवाई को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात के बाद अखिलेश यादव राजभवन से बाहर निकले और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वे के पूरी तरह से खिलाफ है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है।
जुल्म अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि आवाज सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब माइक लग रहा भैया और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। तो वही झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, वो कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर पार्टी का कब्जा होगा। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी का पहला दौरा हुआ है, खास करके रांची में, और खास करके जिस तरीके से झारखंड में आगमन होने के बाद से तमाम चीज़ों पे चर्चा चल रही थी कि अब संगठन को किस तरीके से लेकर चलेंगे, राज्य में जो हालात हैं उस पर किस तरीके से उनकी राय होगी और पार्टी की तरफ से क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, उन्हीं तमाम सवालों की चर्चा करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बाजपेयी जी, क्या लगता है कि झारखंड का आपका आगमन हुआ है, आप आगमन के साथ ही देवघर पहुँचे, खास करके जो आस्था आपके पास है राज्य के लिए, किस तरीके से राज्य को देखते हैं आज के दिन में और किस तरीके से आगे आप रणनीति में? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं झारखंड राज्य में राजनीतिक काम करने के लिए नहीं आया हूं, शुद्ध तौर पर संगठनात्मक काम, और उसमें भी यहां के नेतृत्व और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उन संगठन के जो बातों पर काम करना है मुझे। किसी भी स्थिति में मुझे किसी राजनीतिक काम को यहाँ नहीं करना, राजनीति करने के लिए मेरे पास उत्तर प्रदेश बहुत है, मैं वहाँ कर लूँगा। चुनाव की दृष्टि से 2 साल हैं, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी संगठन को किस रूप में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर और सीधे कार्यकर्ता से संवाद, क्योंकि कार्यकर्ता ही पूंजी है। और मैंने आस्था की दृष्टि से सबसे पहले मैं देवघर आया, रांची नहीं आया, और देवघर से वासुकीनाथ के दर्शन, इस बीच में कार्यकर्ताओं के साथ मंडलों की बैठक करते हुए, परिचयात्मक बैठक है, इंट्रोडक्टरी बैठक है, लेकिन बैठक करते हुए फिर दुमका से आया मैं रात को धनबाद, बोकारो और अब रांची आया हूँ। सब जगह मैं कार्यकर्ताओं से मैंने बैठक की है और कार्यकर्ता लगभग 200 के औसत बैठकों में उपस्थिति रही है, अधिकृत कार्यकर्ता यानी मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, मोर्चे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, महानगर जिले के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी, इन लोगों से बात की है। सबको मैंने ये कहा कि भाई कार्यकर्ता भाव जागृत करो और कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए मन बना लो। क्या लगता है कि अब जैसे संगठन को लेकर आगे की काम किया, 22 साल का झारखंड हो रहा है, काफ़ी कुछ उम्मीदें थी झारखंड को और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक सक्रिय भूमिका यहाँ रही है, किस तरीके से आगे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश? इस संबंध में मुझे कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी, कल यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से कल से परसों तक मेरी बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद जो मुझे गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैं यहाँ कमांडिंग पोजीशन के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, यहाँ के राजनीतिक और संगठनात्मक नेतृत्व के अंतर्गत उनके सहयोगी के रूप में काम करने आया हूँ और मैं उस रूप में यहाँ काम करूँगा। राज्य को और पार्टी को किस रूप में आप देख रहे हैं आज के दिन और आगे क्या देखना चाहते हैं? नहीं, पार्टी और सक्षम है, राजनीतिक दृष्टि से भी परिपक्व और सक्षम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और संकल्प ये लेकर आया हूँ कि 14 की 14 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, पहले भी काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं रहा है यहाँ पे, 11-12 सीटें हमेशा जी का प्रदर्शन है, हमारी अब की बार 14 की 14 सीट जीतने का संकल्प, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जहाँ हमने 80 सीटें जीतने का निर्णय लिया है। 80 सीट जीतेंगे, विपक्ष को एक भी सीट जीतने का मौका उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। उसी तरह से हमारी इच्छा ये है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं पर आधारित होकर 14 की 14 लोकसभा सीट जीतेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक काम करने के लिए मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आते ही आप? कार्यकर्ता को कोई संदेश जरूरत नहीं, कार्यकर्ता बिल्कुल ठीक है, तैयार है, मैंने जितने तीन चार जिलों में किया है उस हिसाब से मैं कार्यकर्ता से संतुष्ट हूँ। तो तमाम चीज़ें हैं, खास करके जिस तरीके से राज्य के हालात हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मीकांत जी यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं उसको भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और कार्यकर्ताओं को लेकर एक बार फिर से आगे बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की जा सकेगी।
सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस रांची। तो झारखंड के बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी को आप सुन रहे थे, जिनसे एक खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। तो उन्होंने कहा है कि झारखंड में संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का प्रस्ताव हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट से पारित तो कर लिया, लेकिन सरकार चला रही पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी इस फैसले का विरोध जारी है। तो कांग्रेस की तरफ से सांसद गीता कोड़ा ने इस प्रस्ताव में खामियों को गिनाया है और इसी मुद्दे पर गीता कोड़ा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा 1932 का खतियान, और जिस तरीके से लगातार 22 सालों से इस पे जद्दोजहद चल रही थी, उसके बाद से कैबिनेट में जो फैसला आया है उसके बाद से कई चीज़ों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ गीता कोड़ा जी हैं, सांसद हैं, और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज के परिवेश में वे किस तरीके से देखती हैं। गीता जी, क्या लगता है आज 32 के खतियान को लेकर आप लोग 22 साल से लगातार बातचीत कर रही हैं, आंदोलन चल रहा है और आप लोग की मांग भी थी, आज जिस तरीके से सामने आया है 32 के खतियान को लेकर के परिभाषित करने की बात, अब किस तरीके से आप देख रही हैं खासकर? देखिए, झारखंड बने हुए 22 साल हो गया है और ऐसे में यहाँ का स्थानीयता अब तक परिभाषित नहीं होना, ये वाकई यहाँ के लोगों का जो हक और अधिकार है कहीं ना कहीं वो मार खा रहा था, और इसलिए बनना बहुत ज़रूरी था। इस पर कई बार प्रयास भी हुए लेकिन वो सही रूप मूर्त रूप नहीं ले पाया, जिसका हम सभी ने देखा है कि क्या हुआ है। लेकिन अभी ये महागठबंधन की सरकार है जिसमें सभी हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस सहयोग कर रही है, आरजेडी सहयोग कर रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो खुद जल जंगल जमीन की राजनीति करते हुए आज सत्ता तक आई है, तो उनसे बेहतर ये दर्द कौन समझ सकता है कि आखिर यहाँ के लोगों का क्या हित हो सकता है, अहित क्या हो सकता है, ये उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। अगर 32 हो जाता है तो कई तरह के नुकसान है, क्योंकि हमारे सिंहभूम में 12-13 के बाद 64 में लास्ट सर्विस सेटलमेंट हुआ है, बस 32 में बहुत इक्का दुक्का जगह हुआ है, लेकिन इससे जो बड़ी आबादी है उससे वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी। अगर 64 हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी आबादी छूट जाएगी। बात को रखा है, उसके बाद हम महागठबंधन के साथी हैं तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा, और मैं उम्मीद करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अपने स्तर पर ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि वो झारखंड के पुत्र हैं तो वो झारखंडियों के नब्ज को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि वहां तक हमें जाने की नौबत वो नहीं होगी, लेकिन जल्द से जल्द इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्द निर्णय लें। हम लोग भी चाहते हैं कि ये उपहू की स्थिति जो उत्पन्न हुई है पूरे प्रदेश में, इसका जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं, खास करके जिस तरीके का माहौल है राज्य में और खास करके जो परिस्थितियाँ हैं उसमें 1932 के खतियान को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जिसमें अंतिम सर्वे को माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सामने रखा जा सकता है। तो ऐसे में इस तरह के मुद्दे पे किस तरीके से आगे की राजनीति होगी, किस तरीके से बातों को रखा जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस रांची। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ तहसील में उफनती राप्ती नदी हर बार खेती बाड़ी और तबाह कर जाती है, तो इस बार भी नदी उफनाई हुई है जिससे कि ग्रामीणों की रात की नींद अब हराम हो गई है। तो ग्रामीणों में दहशत इस कदर हावी है कि लोग अपना घर तक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। नदी ने अपना बहाव अब बाला नगर गांव के बहुत करीब कर लिया है। नदी से सटे घरों के पास की नदी अब बह रही है, तो जिससे लोग रात भर जागकर नदी के कटान को देखते रहते हैं, फिर भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो सिद्धार्थनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं ग्रामीण। राप्ती नदी के कटान से लोग अब परेशान हो गए हैं, जिसके बाद वो गांव छोड़ने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। संबंध में मुझे जानकारी है और आज वहां पर एसडीएम सोहरतगढ़ गए थे, जाकर इस चीज को देखा तो वहाँ 4 से 6 मीटर दूरी पर नदी बह रही है, कटान हुआ है। लेकिन अभी जो यह दिखने वाला है कि कटान जो है वो इस तरफ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है, फिर भी जो वहाँ पर 4 से 6 घर हैं उन घरों के लोगों से बात किया गया कि अगर आप चाहें तो जो हमारा शेल्टर है, जो स्कूल खुलवा दिया गया था, स्कूल में आके आप रह सकते हैं। संबंध में मुझे जानकारी
तो सिद्धार्थनगर से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर गांव छोड़ने को अब ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। तो राप्ती नदी के कटान से लोग ज्यादा परेशान हैं, जिसके बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई है और साथ ही अब वो गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो वहीं इसी पर हमारे संवाददाता राकेश यादव ने पूरा जायजा लिया है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले तौलीहवा टोला बाला नगर में, जो कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे यहाँ के ग्रामीण, जो कि अपना ये घर द्वार छोड़ के ये बाहर निकल गए हैं, अपना खाने पीने का सामान और अपने जानवरों को लेकर ये बाहर निकल जा रहे हैं कहीं सुरक्षित स्थान पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये अपने सरों पे सामान लादकर ये बाहर जा रहे हैं सुरक्षित स्थान पे। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्यों ये यहाँ अपने घर द्वार छोड़ के पलायन कर रहे हैं। आप ये अपने घर को छोड़कर क्यों यहाँ से जा रहे हैं? सर क्या है, नदी का कटान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है गाँव, देख लो कितना करीब में आया है। अभी गिर जाएगा रात बिरात में तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे हमारे, इसलिए तो हम लोग का अभी तक कोई यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के सांसद हैं, कभी यहाँ आए आपको पूछने के? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं सर, बिकी इसका कोई कम से कम 15 साल से यही कार्य वार्य हो रहा है, जब बारिश बाढ़ आती है तभी आते हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और लोग भी है हमारे साथ, उनसे हम जानकारी करते हैं क्यों छोड़ कर ये जा रहे हैं अपना घर। आप बताएं अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हैं यहाँ से? इधर घर गिर रहा है तो हम लोग किधर जाएंगे, घर द्वार गिर रहा है तो कहाँ रहेंगे? प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं यहाँ देखने के? और लोग भी हैं, मैं उनसे जानकारी, आप इतना ये सब सामान लेकर जानवर लेकर क्यों यहाँ से गांव अपना घर छोड़कर प्लान कर रहे हैं? रोड पे रहेंगे। रोड पे रहेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या करेंगे जब पानी गिर रहा है, सुनाई नहीं, क्या करेंगे? यहाँ के लोगों का कहना है कि हम यहाँ से अपना घर और जानवरों को लेकर सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई शासन का आदमी ना ही प्रशासन का आदमी झांकने तक नहीं आया, यहाँ जो है जनप्रतिनिधि भी देखने नहीं आए कि हमारे क्षेत्र में वहाँ क्षेत्रवासी किस तरह से हैं। ये बाढ़ की कटान के भय से यहाँ से गाँव को छोड़कर जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइस। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, तो सीएम योगी ने सरयू अतिथि गृह में दीपोत्सव के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष में मुख्यमंत्री अयोध्या में रहेंगे मौजूद, तो इस मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो वहीं वर्चुअल तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह से जुड़ने वाले हैं। तो अयोध्या से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामनगरी में दीपोत्सव को लेकर बैठक की गई है अधिकारियों के साथ, तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। तो इसी के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के समय पर जो है उद्घाटन सेरेमनी भी रखी गई है। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ के ठाकुरगंज से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ के ठाकुरगंज से ये खबर है, तो आपको बता रहे हैं कि कहा सुनी में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है, जहां पर दबंगों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो लखनऊ के ठाकुरगंज थाना के एरा मेडिकल कॉलेज का ये बताया जा रहा है पूरा मामला। तो कॉलेज के पास मामूली कहा सुनी हुई, जिसमें दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, तो मारपीट में विवेक नाम का युवक गंभीर रूप से अब घायल हो गया है, जिसके बाद घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, मामूली कहा सुनी में मारपीट हुई है, तो कहा सुनी में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। करीब 6:30 बजे शाम की मैं अपने मित्र सुहेल खान के साथ में बैठी जा रही था, उसी समय कुछ अनजान युवक आए, थोड़ी देर बाद में मारपीट शुरू कर दी और तेज धार हथियारों से सर पे बहुत बार वार किया। उसके बाद सूचना पुलिस को जब मिली, मौके पर पहुँच के पुलिस वालों ने हमें एरा में ले जाके मेरा मेडिकल करवाया। उसके बाद में हम अगले दिन थाने पे गए, हमने पूछा कि एप्लीकेशन आई या कुछ दर्ज, इसमें कोई कार्रवाई हुई, तो उन्होंने बोला हमारे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।